नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। एक चीज हम यहां पर कहेंगे कि अगर आप कभी लव मैरिज करते हैं या फिर अगर आप किसी शख्स से प्यार करते हैं और उसके साथ जिंदगी बिताने के 100 वादे कस्में खाते हैं, तो भले ही आगे जाके वो रिश्ता चले या ना चले, मगर आपके दिल में वो कसक हमेशा रह जाती है। कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ईशा देओल को लेकर। ईशा देओल इन दिनों भरत तख्तानी के साथ सेपरेशन की खबर को लेकर खूब चर्चा में है, मगर हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में आज आपको जानकारी देंगे कि भाई आखिरकार ईशा देओल जो है अभी भी रो रही हैं और जो है भरत तख्तानी को वो अपनी जिंदगी से पूरे तरीके से नहीं हटा पाई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता है जब सितारे तलाक लेते हैं या जो है सेपरेट हो जाते हैं, तब सबसे पहले वो जो है खुद अपने अकाउंट से सबको डिलीट करना शुरू करते हैं, तस्वीरों को हटाना शुरू करते हैं ताकि वो यादें वो बातें उनको फिर याद ना आए। मगर ईशा देओल आज भी भरत तख्तानी के साथ जो है अपने उन हसीन पलों को याद कर रही है। यकीनन ही ये बहुत ही टफ टाइम है, क्योंकि एक स्कूल टाइम से आपकी कहानी चल रही थी, एक खूबसूरत सी लव स्टोरी चल रही थी, और जब आपकी ज़िंदगी सेटल्ड हो गई, आपके पास बच्चे भी हो गए, तब आपने अचानक से अपने पार्टनर को धोखा दे दिया। इस चीज़ को संभलना, इस चीज़ को समझने में ही कई वक्त लगेगा अभी ईशा देओल को। और ईशा देओल कहीं ना कहीं जो है उन्होंने खूब इन्वेस्ट किया है अपनी शादी में। इन्वेस्ट एज इन उन्होंने अपने इन लॉज को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए, शादी बचाने के लिए बहुत सारे तिगड़म लड़ाए हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर खबरों के माध्यम से हम देख रहे हैं। अपने ससुराल में जितने भी जो उनके नियम कानून थे उन्हें फॉलो करना, कपड़े अपने पूरे अटायर अपना बदल लिया। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस कहीं जाती थी वो, मगर उन्होंने सारे इन लॉज की चीज़ों को अपना लिया। भरत को जो नहीं पसंद था वो कर लिया, मगर उसके बावजूद भी भरत तख्तानी ने उनको धोखा दे दिया। भरत तख्तानी जो है ईशा देओल को धोखा दे बैठे हैं। अब ऐसे में ईशा देओल जो है नहीं भूली हैं भरत तख्तानी को और रोती बिलकती उन्हें याद करती दिखाई पड़ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए आप हमारा ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर चुकी धूम फिल्म से फेमस हुई ईशा देओल इन दिनों खूब चर्चा का कारण बनी हुई है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईशा देओल जो है अभी फिलहाल ही में कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में हो चला है जिसके बाद से खूब सुर्खियों का कारण वो बनी हुई हैं। आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा देओल जो है भरत तख्तानी से अलग हो चुकी हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि भाई ईशा और भरत के जो रिश्ते हैं वो इतने बिगड़ चुके हैं जिससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई दोनों ने सेपरेट होने का ही फैसला ले लिया। मगर एक चीज़ कही जाती है कि जब आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं और अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो, तो शख्स से भले ही आप जो है कुछ समय के लिए जो है थोड़ी नफरत आपके मन में आ सकती है, मगर आपके मन में वो किसी कोने में प्यार उनके लिए हमेशा रहेगा। कहते हैं ना कि अगर आपको आपकी पहली मोहब्बत से धोखा मिला हो, मगर जब वो शख्स आपके सामने आएगा तो कहीं ना कहीं वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। कुछ ऐसा ईशा देओल के साथ भी है। हाल ही में ईशा देओल के इंस्टाग्राम हैंडल पर देखा गया कि ईशा देओल ने अपनी और भरत तख्तानी की साथ की एक तस्वीर को डिलीट नहीं किया हुआ था। जी हाँ, आपके सामने वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि खुद ईशा देओल के अकाउंट पर ये तस्वीर है जहाँ पर फॉर कीप फॉर एटर्निटी लिखा हुआ है, दिल बना हुआ है और नज़र बट्टू बना हुआ है। अब ऐसे में भरत तख्तानी ने जिस हिसाब से ईशा देओल को धोखा दे दिया, और कहीं ना कहीं देखा गया कि भरत तख्तानी जो है बताया जा रहा है कि मुंबई बताया जा रहा है कि कोलकाता में जो है न्यू ईयर के ख़ास मौके पर अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ उन्हें पार्टी करते हुए देखा गया था, जिसके बाद से जो है ईशा और भरत के रिश्ते एकदम ख़राब हो गए और सारी चीज़ें जो हैं सामने आई। मगर ईशा देओल शायद अभी भी इन चीज़ों से कमबैक नहीं कर पा रही हैं। यकीनन ही ये इतना आसान नहीं है। हम यहाँ पर ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप किसी शख्स के साथ तकरीबन 12 साल तक आपका रिश्ता चलता है, आप काफ़ी लंबा समय उसके साथ बिताते हैं, उससे आपको बच्चे भी हैं,
और सडन आपको पता चलता है कि वो शख्स आपको धोखा दे रहा था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि कई सालों बाद शादी के तकरीबन 12, 14, 18, 19, 10 साल के बाद जो हैं रिश्ते एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में कई ऐसे पावर कपल रहे हैं जिनके प्यार की मिसालें दी जाती थी, मगर आगे चल के वो प्यार खोखला हो गया। कुछ ऐसे ही ईशा और भरत तख्तानी भी थे। अगर आप ईशा देओल के इंस्टाग्राम हैंडल पर देखा होगा आपने कि भरत तख्तानी के साथ उन्होंने तमाम तस्वीरें वो अक्सर साझा करती थी, अपने कपल गोल्स दिखाते हुए उन्हें अक्सर देखा गया था। तो मगर किसी ने ये सोचा नहीं था कि ईशा देओल और भरत तख्तानी यूं इस तरह से अलग हो जाएंगे, यूं इनके रिश्ते की जो है फुल स्टॉप इनके रिश्ते पर लग जाएगा। मगर ऐसे में ऐसा हुआ भी। आपने साफ तौर पर देखा कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भरत तख्तानी और ईशा देओल की तरफ से साझा भी की गई। अब ऐसे में आपको बता दें कि ईशा देओल हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब फिल्मों में नहीं दिखाई पड़ती हैं, मगर उनके इनकम ऑफ सोर्स क्या है, कैसे वो अपने दोनों बेटियों का गुजारा करेंगी। हालांकि एलुमिनी की अगर बात की जाए तो वो ईशा देओल को मिलेगी भरत तख्तानी की तरफ से, मगर अभी जो है कोर्ट तक ये फैसला नहीं पहुंचा है। कोर्ट तक अभी ये नहीं कहा गया है कि जो है अभी तलाक जो है एक ऑफिशियल तौर पे होना बाकी है, मगर उससे पहले उन्होंने सेपरेशन के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है, जहां पर बताया यही जा रहा है कि उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि बच्चों की भलाई के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं और बच्चों की भलाई रहे इसमें जो है हम इसलिए ये कदम उठाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा गया कि भरत तख्तानी और ईशा देओल का जो रिश्ता रहा है वो एकदम से जो है ख़त्म सा हो गया। भरत तख्तानी उन्हें धोखा दे रहे थे और जब ये खबर ईशा देओल तक पहुंची तब उन्होंने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया और ना ही जो है उन्होंने कोई चीज़ का वेट किया और फौरन ही उनसे वो अलग हो गई। अभी ईशा देओल को अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने मम्मी के घर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो है ईशा देओल अभी फ़िलहाल हेमा मालिनी के साथ ही रह रही हैं और हेमा मालिनी ईशा देओल की बहन अहाना बताए जा रहे हैं कि अभी उन्हें खूब सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि परिवार के लोग ही जो है ऐसे वक्त में सहारा बनते हैं, माँ बाप बहन भाई ही जो है ऐसे वक्त में साथ देते हैं आपका। और साफ तौर पर जो है ईशा की कहानी में भी ये दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।